वैश्विक महामारी का इलाज या किसी भी वैश्विक महामारी का इसकी रोकथाम दरअसल किन्हीं छोटे शॉर्ट टर्म मेजर से छोटे छोटे उपायों से नहीं हो सकती, वो तात्कालिक होते हैं, तात्कालिक उपायों से नहीं हो सकती वो। अब जैसे लॉकडाउन है या डिस्टेंसिंग है, ये इससे हम इसकी रोकथाम तो करते हैं, उसके गंभीर परिणामों को कम तो करते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है उसका, उससे वो समाप्त नहीं कर सकते। जब तक विषाणु को हम नष्ट नहीं कर पाएँ या उसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएँ, हमसे अर्थ विज्ञान न कर पाए, टेक्नोलॉजी नहीं कर पाए, मेडिकल साइंस नहीं कर पाए, तब तक वो समाप्त नहीं होगा, खतरा बना रहे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये वैक्सीन बन जाएगी, और कुछ थेरेपी भी आई है, रेडियो थेरेपी जैसी, प्लाज्मा थेरेपी जैसी, रेडियो थेरेपी नहीं कि जिससे हम इसका तात्कालिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस महामारी को देखकर, वैश्विक महामारी को देखकर और इसके पहले के इतिहास को देखकर, ये विश्वास इसलिए भी है कि ऐसी महामारी कोई पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे आज से 100 साल पहले लगभग 1917-18 में भी एक वैश्विक महामारी, इसको स्पेनिश फ्लू कहा गया, वो भी आई थी, और उसका तो उसके तो आंकड़े अगर आप सुनेंगे तो उसकी तुलना में ये इतना तरक्की कर लिए वैज्ञानिक, उसकी तुलना में हम लोग बहुत मात्रा में जीवन बचा पाए हैं। तब तो 500 लाख लोग पूरी दुनिया मरे थे और लगभग 180 लाख तो भारत में मरे थे, आज ये आंकड़ा कुछ हजार में भी नहीं पहुंच रहा है। तो विज्ञान ने उसके लिए जब तोड़ निकाली इस बीमारी की, उस विषाणु की, उस बैक्टीरिया की, उस वायरस की, तो किसी की भी निकाल सकते हैं। मानव जाति का इतिहास ऐसे संघर्षों से भरा हुआ है, पर इस मुकाबले के दौरान, इस संघर्ष के दौरान कुछ थोड़ी सी बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है, और खासकर आप जबकि मीडिया का विस्फोट हो रहा है, सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है, जब जानकारियां एकदम तेजी से फैल रही हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता है। मनोबल की उतनी आवश्यकता नहीं है, मनोबल तो हमें धैर्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि धैर्य बना रहे वर्ष भर, दो वर्ष, जितना भी समय लगे, लेकिन मनोबल जो युद्ध के लिए चाहिए होता है वो मनोबल नहीं चाहिए। युद्ध तो बराबरी वालों से होता है, युद्ध तो दो देशों के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो इनके बीच में होता है, वहाँ मनोबल और शस्त्र, शस्त्र की ताकत, ये दोनों का मुकाबला होता है। अगर मनोबल अच्छा है तो आप आसानी से युद्ध जीतते हैं, लेकिन ये तो वायरस है, कीटाणु है, इसमें आप कितने भी मनोबल से जाएं, कितनी भी बहादुरी से जाएं, आप अगर मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत आपका जोश बहुत हाई हो तो भी कीटाणु है, वायरस है, वो तो आपको प्रभावित करेगा। अगर गैस लीक हुई थी भोपाल में, आप कितनी भी बहादुरी से गैस के सामने जाते तो गैस आपका नुकसान करती ही करती, जो कुछ लोगों का किया भी, जिनको आज हम शहीद कह रहे हैं। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए इसको युद्ध कहने के बजाय इसको हम एक ऐसा मुकाबला कहें जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस और इन बीमारियों के बीच का युद्ध है, इनके बीच का मुकाबला है। और जो हमारे खबर सेनानी हैं या जो हमारे चिकित्सकीय आर्मी है हमारी, या जो हमारे सुरक्षा पुलिस वगैरह की जो आर्मी है, ये इसके रोकथाम के लिए जो अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं, उनको हम युद्धोन्मादी सैनिक न मान करके उनको हम ऐसे सैनिक माने जो अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपनी सुरक्षा करते हुए, क्योंकि इस दुश्मन से जोश से लड़ाई नहीं जा सकता, इसके लिए आपको विवेक की आवश्यकता है। और ये विवेक की आवश्यकता केवल हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर जिसको हम कह रहे हैं आजकल, या जो फ्रंट लाइन पे जो इसको इसको व्यवहित कर रहे हैं, इसका व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ साथ ये मनोबल हमें समाज में भी पैदा करने की जरूरत है। समाज में न केवल ये कि हम प्रतीक्षा का मनोबल पैदा करें, बल्कि इसके साथ साथ हम ये मनोबल भी पैदा करें कि आर्थिक मोर्चों पर आने वाली दिक्कतों का भी मुकाबला करेंगे, लेकिन इससे साथ साथ हम जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर जो है उनके मनोबल को बनाने का भी प्रयास करें, ताकि वो कम से कम ये ना महसूस करें कि हम तो इनको रोग से बचाने के लिए, रोग के लिए ये सामने है और हमारे ही साथ ही हो। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक है,
असल में संक्रमण से जो बीमारियां होती है, छूत से जो बीमारियां होती हैं, उसमें हर कोई ऐसे व्यक्ति से बचना चाहता है। जैसे कोई अगर संक्रमण का मरीज हो गया तो आप हम भी बचना चाहेंगे कि ये हमारे पास ना आए, ये हमें ना लग जाए। लेकिन उसमें हम वो मूल सिद्धांत खो देते हैं। वो सिद्धांत है कि रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। हम तो यार जिसको रोग होने की संभावना है उससे भी घृणा करने लगते हैं। संभावना तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की है, लेकिन इससे उनका मनोबल। और एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का चक्र बड़ा विचित्र है। अमेरिका में ये हंटा वायरस जो है, ये अमेरिका से कोरिया गया था 1950 में, जब वो कोरियन वार हुआ था। अमेरिकन सैनिकों ने ये कोरिया में दिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। और उसके बाद वहाँ से अमेरिकन सैनिक जब ठीक हुए तो उनका प्लाज्मा जब निकाला गया, और उनके प्लाज्मा से जो ट्रीटमेंट कोरियन सैनिकों को किया गया, तो न केवल अमेरिकन सैनिक ठीक हुए, कोरियन सैनिक भी ठीक हुए। तो जो रोगी आज हमारा, कल हमारा चिकित्सक भी हो सकता है। जो रोग है उस रोग को ठीक करने के बाद उससे निकला हुआ प्लाज्मा ठीक भी कर सकता है। प्रकृति का चक्र बड़ा विचित्र है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो रोगी है वो न केवल हमारा हमारा अपना है, न केवल दुर्भाग्य का शिकार हुआ है, कोई भी हो सकता है, आप हम भी हो सकते हैं, न केवल दुर्भाग्य का शिकार हो, बल्कि वो हमारा चिकित्सक भी हो सकता है कल। उससे हमें, वो हमारी पूंजी भी है स्वास्थ्य की। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने मनोबल को बनाए रखना है, और इस बात की पूरी संभावना है, लगभग 100% संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक ऐसा टीका ढूंढ लिया जाएगा, ऐसा वैक्सीन ढूंढ लिया जाएगा, और ये प्लाज्मा थेरेपी से जो परिणाम मिल रहे हैं उनका स्थायी स्वरूप दे दिया जाएगा कि ये बीमारी, ये जो वायरस से फैलने वाली जो बीमारी है, डिजीज है, एपिडेमी है, या जो ये है, इसके पहले भी छोटे छोटे लोकलाइज होते रहे, चमकी बुखार जैसा बिहार में रहा, स्वाइन फ्लू जैसा रहा, इसके पहले प्लेग, मलेरिया, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, इस तरह के बहुत सारे बड़े छोटे बीमारियां होती रही, और मनुष्य प्रजाति ने इस पर विजय हासिल की है। मनुष्य प्रजाति को, मानव प्रजाति को, प्रकृति को अपने अनुकूल करने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने एक वरदान दिया है, मस्तिष्क का वरदान, और उसके चलते मनुष्य आज तक इतनी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल करते आया। ये परिस्थिति विपरीत है, निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन धैर्यपूर्वक सबको एक होकर, पूरी मानव प्रजाति को एक होकर इसका मुकाबला करना, अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटना, और दवाइयों को एक दूसरे में बांटना चाहिए। नफरत अज्ञानतावशित है, नहीं फैली जाना चाहिए, नहीं फैलाई जाना चाहिए, यही बात। नमस्कार, मैं रसना ठाकुर, AIGCID। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये अनुरोध है कि हम भी ये प्रयास करें कि जो भी शासन के निर्देश हैं, चाहे वो हाइजीन के संबंध में हो, या घर पे रहने के संबंध में हो, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में हो, उन सभी का हम पालन करें, और अपने आप को तो सुरक्षित रखें ही सही, साथ में दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो यही देशभक्ति का एक सबसे बड़ा जरिया है, और हमें इसका पालन करना चाहिए, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब तक बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं हो तब तक हम घर से बाहर ना निकलें, स्वयं भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनील पंड्या, डायरेक्टर पारिजात कॉलेज इंदौर। सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज हम जिस वैश्विक महामारी COVID-19 से पूरे दमखम के साथ स्व अनुशासन से लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसी प्रकार WHO एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करें, अच्छे देश के अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूँ कि यह महामारी थोड़े समय के लिए है, वो पाबंदी भी थोड़े समय के लिए ही है, इसलिए जमाखोरी से बचें, जो वस्तुएं आसानी से बगैर लॉकडाउन के उल्लंघन से उपलब्ध हो सके उन्हीं से काम चलाएं। मुख्यतः यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से ही फैलती है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें, उसके नियमों का अनुसरण करें। कोरोना को हराना है तो डरना नहीं है,
परम उचित सावधानी रखें, उसका हल खोजें, इसे छुपाए नहीं, सकारात्मक सोच का परिचय दें। कोरोना को जड़ से उखाड़ने और उसे फेंकने वाले हमारे योद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा बल तथा प्रशासन की सहायता करें, उनके प्रति कृतज्ञता विनम्रता का भाव रखें। यही आशा है, यही विनय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक मेहता, वास्तु एवं पर्यावरण भी। दोस्तों, ये सबसे कठिन समय है और शायद ये ज़िंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे इसको भविष्य में न देखें। आदरणीय मोदी जी ने जो हमें बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना, ये सब बातें हमारी जान की सुरक्षा के लिए हैं। क्यों हम बाहर निकलें, क्यों हम मॉर्निंग जॉगिंग करने जाएं, हम क्यों खेलने जाएं, हम बिना वजह बाहर क्यों घूमने जाएं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हम उसको बार बार क्यों खरीदने जाएं, इस बात का हमें ख्याल रखना है, इस पर हमें सोचना है और ये सब हमें बंद करना है। हमें घरों में ही रहना है। आप इस चीज़ को, इस महामारी को हल्के में मत लीजिए। ये बहुत खतरनाक महामारी है। ये तो शुक्र है कि हम बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे हैं और हमारा प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी और जो ग्राउंड वाले वर्कर है, फ्रंट लाइन के वॉरियर्स, उन सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सैल्यूट। उनकी बदौलत आज हम बहुत सुरक्षित हैं। कुछ मूर्ख लोगों ने ज़रूर कुछ हरकत की है कि जो उन पर वार किए करें, पर वो उनकी मूर्खता को अभी समय नहीं अपने को सोचने का, लेकिन उन्हें माफ़ करें। लेकिन दूसरी चीज़ मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आपके पास जिनको ज़रूरतमंद है ना, उनको ज़रूरत करने का अपना मन रखें। ये वो समय है अपने आत्मचिंतन का, अपने आप को समझने का, परखने का। हमने जो पैसा बना रखा है उसको सही मायने में अभी उपयोग करने का ये एक समय है। मानवता यही कहती है, पुकार पुकार के यही कहेगी कि हम आपस में मदद करें, जिसको ज़रूरत है उसको दें। और उन लोगों से विशेष निवेदन है कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो 10-10 पैकेट इकट्ठे कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सब चीज़ें ज़रूरत के लिए, आपको जब ज़रूरत लगेगी फिर मिल जाएगा। साथ ही मैं उन डॉक्टर और नर्सिंग होम से भी निवेदन करूँगा जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और अभी घरों में बैठ गए, प्लीज़ कृपया आप मरीजों को देखना शुरू करो। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। मैं उस कल्पना को देखकर ही डर जाता हूँ कि जब उसमें ये बताया कि स्कूटी पे वो आदमी बच्चा मर गया और उसकी लाश को भी उस पर ले गए। प्लीज़ 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 आप ऐसा ना करें। आपसे पूरा विनम्र निवेदन है, ये समय है हमें अपनी मानवता दिखाने का, अपनी इंसानियत दिखाने का और अपने आप में गर्व महसूस करने का कि हम एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं प्रियंका मुकेश गोस्वामी, अध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर, आपसे COVID-19 के बारे में बात करती हूँ। आज कोरोना से रिलेटेड, COVID-19 से रिलेटेड हम लोग काफी जागरूक हैं। हो सकता है जितनी जानकारी मेरे पास है COVID-19 की, उससे अधिक जानकारी आप लोगों के पास हो, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमें काफी जागरूक कर रही है हमारी सरकार कि हमें COVID-19 से कैसे लड़ना है, इस डिजीज के लिए हमें क्या जरूरी स्टेप्स हैं जो हम लोगों को उठाने, क्या सावधानी हमें बरतनी है। आज मुझे गर्व है कि हमने लॉकडाउन के 33-34 दिन सफलतापूर्वक निकाल लिए हैं और इसका पूरा श्रेय इस देश के रहवासियों को जाता है जो पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके एक आह्वान पर हम मानवता और एकजुटता की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं इस COVID-19 से लड़ने के लिए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में काफी अनूठे प्रयास कर रहे हैं इस COVID-19 से लड़ने के लिए। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है, जो रेड जोन में जो स्टेट्स आए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं, उनकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है ताकि इस COVID-19 के ट्रांसमिशन को हम रोक सकें। अभी वर्तमान में जितने COVID-19 से रिलेटेड स्टेप्स उठाए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें एक मॉडल या फॉर्मूला तैयार करना चाहिए जिससे हम इस COVID-19 डिजीज से लड़ सकें। इस फॉर्मूले को, इस मॉडल को मैं SIR फॉर्मूला या SIR मॉडल कहूँगी, सर मॉडल करना चाहूँगी, जिसका मतलब है कि S stands for stop its transmission। हम लोगों को इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने का जो ट्रांसमिशन है वो हमें रोकना होगा। I stands for increase in the recovery rate। जो हमारे भाई हैं जो कोरोना से रिलेटेड संक्रमित हैं वो हमें उन्हें स्वस्थ घर जल्दी पहुँचाना होगा। R stands for reduction in the mortality rate or the fatality rate। जो इस डिजीज से लेके जो मृत्यु दर है उसको भी हमें कम करना होगा, रोकना होगा।
हम लोगों ने काफी सतर्कता और सावधानी बरती है कोविड 19 डिजीज से लड़ने के लिए, और जल्दी हम 3 मई तक का जो लॉकडाउन पीरियड है उसको हम खत्म कर लेंगे। जितनी आसानी से हमने 33 दिन लिए हैं उतनी आसानी से ही 3 मई तक का जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन हटते ही हम जो सावधानी बरतनी है वो ना बरतें। लॉकडाउन से इसलिए हट रहा है ताकि हम जन समस्याओं का निवारण कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग हमें तब भी मेंटेन करनी होगी, हमें नेसेसरी ग्लव्स और मास्क भी पहनना होगा ताकि इसका ट्रांसमिशन ना हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तभी हम इस डिजीज को हरा पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग फील्ड में रहकर हम सभी जनता की हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी रहवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितना हो सके आप कोरोना वॉरियर्स को सहयोग प्रदान करें, जो हमारे लोग हैं जो जनता है उनको सहयोग प्रदान करें, चाहे वो आर्थिक रूप में सहयोग हो या कोरोना वॉरियर्स जब स्क्रीनिंग के लिए आए टेस्ट लेने आए तो आप उनमें सहयोग दें और स्क्रीनिंग में सहयोग करें, उनको टेस्ट के रिलेटेड जो भी वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको आप फॉलो करें। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और तभी मंदसौर जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा और हमारा भारत देश जीतेगा। पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और समूची मानव जाति इससे जूझ रही है। एक साहित्यकार की पीड़ा आपके सामने है, मेरी छोटी सी कविता कोरोना शीर्षक से, कि कोरोना का खौफ पूरी संपूर्ण मानव जाति को त्रस्त कर रहा है। डरो नहीं कोई गलत काम करो नहीं, किस बात का रोना, क्या कर लेगा कोरोना, छुआ छूत की बीमारी है ये, हाँ कमजोरों पर भारी है ये, हौसले आबाद रखो चंद बातें याद रखो, यदि प्राण नहीं खोना है तो सुबह शाम दोपहर कई कई बार साबुन से हाथ धोना है, मंत्र है यह जीवन के लिए आज गहना है, मंत्र है यह जीवन के लिए आज गहना है, 1 मीटर की दूरी बनाकर हमें रखना है, सोच के दरिया में दूर तक बहो तुम, सोच के दरिया में दूर तक बहो तुम, यदि क्वारंटाइन नहीं होना है तो घर में रहो, यदि क्वारंटाइन नहीं होना है तो घर में रहो, यह बात साफ है शुद्ध है, यह बात साफ है शुद्ध है, कोरोना महामारी तो है ही हमारे लिए युद्ध है, जिसे हमें पूरी ताकत से लड़ना है, जिसे हमें पूरी ताकत से लड़ना है, कोरोना से लड़ना बहादुरी है, पूजा है, तपस्या है, यह सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की समस्या है, जिंदगी का रास्ता पहाड़ी है, कहीं उतार है कहीं चढ़ाई है, कोरोना जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है, कोरोना जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है, यह लड़ाई हमें बहादुरी से लड़ना है, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, कोरोना का तंबू अब उखड़ना है, बहादुरी से लड़ रही है हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाईकर्मी, खबर आ रही है कि दम तोड़ रही है कोरोना की अब ये महामारी, खबर आ रही है कि दम तोड़ रही है अब ये महामारी, हमारा साहस हमारी ताकत काम आएगी, हमारा साहस हमारी ताकत काम आएगी, कोरोना पे मौत मारा जाएगा, कोरोना बेमौत मारा जाएगा, जिंदगी फिर मुस्कराएगी, जिंदगी फिर मुस्कराएगी। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे हूँ आवाज संस्था भोपाल से, और कोरोना के इस काल में आवाज प्रतिबद्ध है ऐसे लोगों, ऐसे समूहों, ऐसे समुदायों तक पहुँचने के लिए जो हाशिए पर हैं, और यदि भोपाल की हम बात करें तो यहाँ बहुत अलग अलग जगह के आए हुए मजदूर साथी हैं, चाहे झारखंड के मजदूर साथी हैं, बिहार के मजदूर साथी हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूर साथी हैं, हम उन तक पहुँच रहे हैं, हम ऐसे विद्यार्थियों तक पहुँच रहे हैं जो बाहर के राज्यों से, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हैं, हम सेक्स ट्रेड में काम करने वाले साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, LGBT समुदाय से जुड़े जो लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दो तरह से उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो हम पका राशन पका खाना जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके लिए हम गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब साकेत नगर और जैन मंदिर MP नगर की मदद ले रहे हैं, और जब हम सूखे राशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमको कुछ साथियों ने मदद की है, विप्रो फाउंडेशन, PNG, गूंज दिल्ली और इंडिविजुअल्स ने हमको मदद की है, उनके मार्फत हम सूखा राशन के पैकेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिसमें महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रख रहे हैं ताकि बच्चों और महिलाओं की ज़रूरतें इस पैकेट के साथ हम पूरी कर सकें, क्योंकि हमारा आवाज़ का बहुत स्पष्ट मानना है कि हम घर में रहें सुरक्षित रहें, लेकिन हम अपने आसपास ऐसी नज़र भी रख सकें जिसमें हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
मेरे इंदौर के सभी शहरवासी, सभी माताएं बहनें बच्चे, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक अनुरोध करता हूं कि हम लॉकडाउन का पालन करें, यह हम सबके लिए अच्छा होगा। कोरोना से को हराना है, किसी भी हालत में हमको हराना है, और वो जब भी हारेगा जब हम लॉकडाउन रहेंगे। मेरा एक और आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आपके आसपास अगर कोई भी गरीब परिवार निवास करता है तो उसकी मदद जरूर करें। ये समय संकट का है देश पे, हम सब देश प्रेमी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कोई गरीब हमारे से इंदौर में भूखा ना सोए, इसकी चिंता अगर हम सब संपन्न लोग जो भी हो करेंगे तो इंदौर में कोई भूखा नहीं सोएगा, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से हमें जीतना है, भारत माता को जिताना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में जारी है, इसीलिए भारत सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। साथ ही इससे बचाव के दिशा निर्देश भी बताए हैं, जिसके तहत हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोना है, और बहुत ही आवश्यक हो तो ही हमें घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क, अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, क्योंकि संक्रमित जो भी व्यक्ति है, इन्फेक्टेड जो भी व्यक्ति है, उसके छींकने खांसने से COVID-19 कोरोना वायरस के जो कण है हवा के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, और बाहर से लौटने के बाद अपने फुटवेयर्स को बाहर ही उतारना है, और सबसे पहले साबुन से फिर अच्छे से हाथ धोना है। इन्हीं बचावों से हम इस वायरस से बच सकते हैं, और घर में बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायरस जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उस पर ज़्यादा असर करता है, इसलिए हमें बच्चों का, बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो सभी उम्र के व्यक्तियों को इससे बचाव के जो भी दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बताए गए हैं, उनका हमें पूर्णतः पालन करना है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं, और बचाव ही इसका एक उपाय है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। बाहर से हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो घर के बाहर रखें, सैनिटाइज करें उसको, और थोड़ी देर धूप धूप दिखाने के बाद में ही उसको हम घर में रखें, और विशेष रूप से सब्जी वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उसको पानी में डाल के बाद में धोने के बाद में ही उसका उपयोग करें। ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं कि जिसके प्रयोग से हम इससे बच सकते हैं। वैसे ही जो आज हमारे कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, पुलिस विभाग के लोग हों, वास्तव में अपनी जान की को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम उनका सहयोग करें, उनके काम में बाधक न बने,
और वो हमारे भले के लिए जो भी नियम है उनका हम पालन करेंगे। तो जो सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इसको हम शीघ्र कंट्रोल कर सकें, इस जंग को जीत सकें, तो उसमें हम सफल होंगे। और इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो उससे बचाव के तरीके हैं उनको मनःपूर्वक पालन करना यह आवश्यक है। उसको अगर हम करेंगे तो जो एक बड़ी चुनौती है उस लड़ाई के अंदर हम निश्चित रूप से सफल होंगे। कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा, बाकी उसके लिए हमारा मनोबल और हमारा प्रशासन को सहयोग यह बहुत आवश्यक है। वो सहयोग हम करें, यही निवेदन मैं इंदौर की जनता से करना चाहता हूँ। राजेंद्र वर्मा इंदौर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता है और प्रणाम करता है। मेरे साथियों, आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। हमारे देश की आबादी विश्व में आज दूसरे स्थान पर है। उस लिहाज से हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य भी हमारे राष्ट्र के प्रति हमें सजग करते हैं। इस बीमारी से किस तरीके से निपटा जाए, इस बीमारी से किस तरीके से हम सभी लोगों को सजग कर सकें, उसका हमें विशेष ध्यान देना है। मैं संक्षेप में इस बीमारी के पूर्व इतिहास में जाना चाहता हूँ। आज से 100 वर्ष पूर्व विश्व में स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी फैली थी, जिसमें 5 करोड़ लोग काल कवलित हुए थे। उस समय हमारा देश भी इस महामारी से बच नहीं पाया था। हमारे देश के 1,20,00,000 आबादी काल के ग्रास बन चुकी थी। साथियों, उस समय हमारा देश गरीब था, इलाज की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, ब्रिटिश हुकूमत का राज था, जिसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। उस व्यवस्था को पूरे विश्व ने भी झेला है और हमने भी झेला है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि वह व्यवस्था दोबारा ना दोहराई जाए, हमें उसका विशेषतः पालन करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही सुंदर मंत्र दिया है। उन्होंने यही कहा है कि मित्रों, अगर इस बीमारी से हमें बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, और उस नियम के पालन से आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा। साथियों, मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कोरोना महामारी में एक वॉरियर के रूप में, देश सेवा के रूप में अपने आप को समर्पित किया है। उनके समर्पण की मैं कदर करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और वर्तमान को समझकर किस तरीके से इस बीमारी से बचना चाहिए, उसके नियमों का किस तरीके से पालन करना चाहिए, यही मेरी आशा है। मेरा एक और आपसे निवेदन है कि सजग रहें, सुरक्षित रहें। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब भी विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरवीर विचलित नहीं होते और किसी भी क्षण में वो डरते नहीं हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। इसीलिए मैं पुनः आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप कोरोना महामारी के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रहें। राजेंद्र वर्मा इंदौर से आप सभी लोगों के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत। मैं थाना प्रभारी राव दिनेश वर्मा इंदौर शहर से हूँ और मैं अब सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अब प्लीज़ घरों में रहें। स्थिति जो है बहुत भयावह होती जा रही है, पुलिस के लिए भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। हमारे कई साथी अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं और हम भी अपने परिवार को छोड़कर रोड पर आपके लिए खड़े हैं। कृपया करके हमारे बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। हमारी मेहनत, हमारी कोशिश आपके सहयोग पर निर्भर है। अगर आप लोग अपना संयम बरतेंगे, बिना काम के छोटी छोटी बातों के लिए नहीं निकलेंगे, तो ये बीमारी पर हम लोग बहुत निश्चित तौर पर विजय पाएंगे। हमारे वरिष्ठ अधिकारी
और प्रशासनिक अधिकारी सभी जी जान से लगे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाईकर्मी, सभी लोग जो नर्सेस हैं, सभी लोग बहुत जी जान से लगे हैं और सबकी एक ही चाह है कि इस जंग में हम लोग जीते। वैसे हम लोग लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पुलिस विभाग को धोखा दे रहे हैं, ये खुद सोचिए कि आप झूठ बोल के निकलते हैं, मेडिकल का बहाना बनाते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस बीमारी की भयावहता को बढ़ा रहे हैं और इसको फैलाने में आप मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो ऐसी भूमिका का निर्वाह ना करें और एक समाज में एक नई चेतना के लिए अपने घरों में बैठें और लोगों को प्रेरित करें कि किसी प्रकार से कोई घर से बाहर ना निकले। देखिए, सब्जी के बिना भी हम लोग रह सकते हैं, हम दाल खा सकते हैं, 7 तरह के अनाज है वो खा सकते हैं, लेकिन लोग छोटी छोटी बातों के लिए निकलते हैं। 2 दिन चाय नहीं पियेंगे तो क्या होगा? आप दूध मत लेने जाइए, बिना चाय के रहिए, लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए निकलते हैं कि हमें भी बड़ा दुख होता है कि हम किसके लिए इतना बलिदान दे रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करें और आप सभी लोग घरों में रहें, सुखी रहें, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कोरोना संक्रमण चाइना के वुहान से होते पूरे विश्व में यह संक्रमण फैल गया और इस संक्रमण ने अपनी भयावह स्थिति और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई पूरे विश्व में। हिंदुस्तान में भी इस संक्रमण ने अपनी दस्तक दी और माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के अथक प्रयास से उसको हम किसी हद तक रोकने में कामयाब भी हुए हैं। मेरा आपके दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता से आग्रह है, निवेदन है कि जो माननीय मोदी जी ने अपील की है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे और उसमें हम निश्चित रूप से इस कोरोना नामक बीमारी को, संक्रमण को पस्त करने में हम कामयाब होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार अपने हाथों को धोना है और साथ ही साथ जो मास्क मुंह पर पहन, कहीं भी अगर आसपास निकलें, वैसे तो निकलना नहीं है पर किसी जरूरी काम से अगर निकलें तो चेहरे पे मास्क पहन के निकलें और खांसते से छींकते टाइम अपने हाथ में उसे रुमाल से जरूर करें तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना नामक बीमारी को पस्त कर पाएंगे। और आपके दूरदर्शन के ही माध्यम से मैं उन सभी स्वास्थ्य कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करता हूँ, फिर वो चाहे पुलिसकर्मी हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, सफाईकर्मी हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों और भी अन्य इस कार्य में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उन सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप सब लोग इस समय पे, इस विपरीत समय में आप पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट अभिषेक अजमेरा इंदौर में अपनी आर्किटेक्चुरल सेवाएं दे रहा हूं। हम आर्किटेक्ट्स मकान बनाते हैं, उस मकान को घर आप ही बनाते हैं। आज कोरोना से लड़ने के लिए आप अपने घर में रहकर अपने परिवार की, नहीं शहर की एवं संपूर्ण देश की सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व में कोरोना का कहर बरस रहा है, कई बड़े बड़े देश में लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं एवं अपनी जान गंवा रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमारे डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हम इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं। हम कोरोना के सिपाहियों, स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग करें एवं उनका सम्मान करें, वे हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो इसे छुपाएं नहीं एवं अपने स्वास्थ्यकर्मियों से तुरंत संपर्क करें एवं देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। आप सभी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सफाई का ध्यान रखना एवं अनावश्यक भीड़ न लगाना, इन सभी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एवं आने वाले समय में भी सुरक्षित रहें। आइए हम बिना घबराए इस विपदा से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए विजय प्राप्त करें। घबराएं नहीं, ये विपदा शीघ्र दूर होगी और हमारा राष्ट्र पुनः प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। हम सब नए जोश व नई ताकत के साथ एक नए भारत का निर्माण करेंगे व देश को एक नया आयाम देंगे। धन्यवाद। जय भारत। एक योद्धा के रूप में मैंने भी लॉकडाउन का पालन करते हुए घर से ही, जैसे NSS को नवाचार का जनक माना जाता है, मैंने भी एक नवाचार किया है, एक पपेट बनाया है जो लोगों से बात करता है और उसका नाम भी मैंने मिस्टर कोरोना रखा है। वो किस प्रकार बात करते हैं आप भी जाने। नमस्कार, मैं हूँ मिस्टर कोरोना। मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ और उनकी जागरूकता का मैं ही पता कर लेता हूँ, उनको मेरे ही अंध के उपाय बताता हूँ। लोग मुझसे मेरे ही अंध के उपाय पूछते हैं और मैं उनको ये अंध के उपाय बताता हूँ। जैसे कि आप घरों में रहें, पहले हाथ अच्छे से धोना है 30 सेकेंड तक, सामाजिक दूरी
बना के रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। सामान लेने यदि जाना है तो घर का एक व्यक्ति जाए, लेकिन वो भी सुरक्षा के साथ। अब हम उस दौर में हैं जब हमें कोरोना से जंग लड़नी है। अब उसका अंत समय आ गया है, लेकिन अभी सावधानी नहीं रखी तो हम ये जंग कहीं ना कहीं फिर आगे लड़नी पड़ेगी। लेकिन आप लोग घर में रहें, हमें डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं लोग, NSS, NCC, NYK के लोग, सभी का हमें बहुत बहुत आभार करना चाहिए। साथ साथ मीडिया का भी, मीडिया भी हमें अफवाहों से दूर रख रही है, सही जानकारी दे रही है, इसलिए हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद।